वाह, लग रहा है ना डोमिनो पिज्जा की तरह। घर बैठे डोमिनो पिज्जा का मजा लीजिए। आइए पिज्जा रेसिपी की ओर चलते हैं। नमस्कार और मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं अर्चना। मेरे यूट्यूब चैनल अर्चना ग्लोबल किचन में आपका स्वागत है। यह पिज्जा लग रहा है ना बाजार जैसा। यह पिज्जा ना ओवन ना कुकर पे, इसे हम तवे पर बताएंगे रेडीमेड बेस्ड पिज्जा में। आइए शुरू करते हैं पिज्जा की रेसिपी। यहाँ पर मैंने रेडीमेड बेस्ड पिज्जा लिया है। पिज्जा सॉस 1 टेबल स्पून, आयल 20 ग्राम, पनीर 20 ग्राम, मोजरेला चीज़ जिसे मैंने किस लिया है, स्वीट कॉर्नर 2 टेबल स्पून, 20 ग्राम बटर, स्वाद अनुसार नमक, चीज़ स्लाइस, ये आप लोगों के लिए ऑप्शनल है लेकिन इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। एक टमाटर, एक प्याज, एक शिमला मिर्ची जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है, ऑरिगेनो, केच का ब्लैक पेपर। दोस्तों मैंने यहाँ पर नॉन स्टिक की कढ़ाई ली है। पहले हम 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, उसके बाद पिज्जा की टॉपिंग। यहाँ पर मैंने पिज्जा की टॉपिंग के लिए शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर लिए हैं जिसे हम सेलो फ्लाई 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर करेंगे। यहाँ मैं एक चुटकी नमक डाली हूँ ताकि ये टेस्टी लगे। दो मिनट हो चुके हैं, इसे एक प्लेट पे निकाल लेते हैं। इसे हम साइड में रखते हैं। अब हम रेडीमेड पिज्जा बेस को सेकते हैं। हम तवे पर 1 चम्मच बटर डालकर उसे अच्छी तरह फैला लेंगे। पहले हम रेडीमेड बेस पिज्जा को ऊपरी हिस्से को पहले सेकेंगे, फिर उसे पलट देंगे। गैस लो मीडियम फ्लेम पर रहेगा, इसे हम 2 मिनट के लिए सेकेंगे। दोस्तों इससे हमारा पिज्जा बेस कच्चा नहीं लगेगा और टेस्टी लगेगा। अब हम इसके ऊपर अच्छी तरीके से बटर फैला लेंगे और फिर इसे पलट देंगे। अब इसे हम पलट देंगे। देख सकते हैं यह हल्का ब्राउन हुआ है। अब हम पिज्जा सॉस को अच्छी तरह फैलाएंगे। दोस्तों अगर पिज्जा सॉस ना हो तो हम टोमेटो सॉस और सेजवान चटनी भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम ग्रेट किया हुआ मोजरीला चीज़ डालेंगे। अब इसमें हम हेल्दी बनाने के लिए ग्रेट किया हुआ पनीर डालेंगे। अब चीज़ स्लाइस डालेंगे। दोस्तों ये आपके लिए ऑप्शनल है लेकिन इसे स्वाद बहुत अच्छा आता है। थोड़ा शिमला मिर्च डालेंगे जिसे मैंने लंबे टुकड़े में काटा था। आप अपने मुताबिक कोई भी सब्जी डाल सकते हैं, जैसे आलू, बीन्स, स्वीट कॉर्न, ब्रोकली, कोई भी हम सब्जी लगा सकते हैं। दोस्तों अब इसमें मार्केट स्टाइल टमाटर भी लगा लेते हैं। अब इसमें हम प्याज भी लगा लेते हैं।
अब इसमें हम स्वीट कॉर्न डाल देते हैं। दोस्तों तवा हेवी होना चाहिए जिससे हमारा पिज्जा बेस जले नहीं। इसे हम 4 मिनट के लिए ढकेंगे। गैस लो मीडियम पे रहेगा। दोस्तों यहाँ मैं टाइम के बारे में बोलना चाहूँगी। सभी का बर्नर तवा एकदम से सेम नहीं होते, किसी का कम ज़्यादा हो सकता है। आप इसे बीच बीच में चेक करते रहिए। यहाँ पर हमारा चीज़ पिघलने लगा है। अब हम गैस बंद कर देंगे। वाओ, हमारा चीज़ मेल्ट बहुत अच्छे से हो गया है और हमारा पिज्ज़ा बिल्कुल परफेक्ट बन गया है। इसे हम प्लेट पे निकाल लेते हैं। ऊपर से पिज्ज़ा सीजनिंग ऑरिगैनो और ब्लैक पेपर डाल देते हैं। और हमारा पिज्ज़ा खाने के लिए तैयार है। देखिए दोस्तों, हमारा चीज़ बहुत अच्छी तरीके से मेल्ट हो गया है। देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। अब पिज्ज़ा मैं कट करके दिखलाती हूँ आपको। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह रेसिपी कैसे लगा। मेरे मुंह में तो अब पानी आने लगा, बस इसे अब मैं खाने ही वाली हूँ। हमें इंस्टाग्राम और मौज में ज़रूर फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।